नमस्कार, कुसुम डॉट किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपनी किचन में केक बनाएंगे। हमारा केक होगा पाइनएप्पल केक। तो चलिए देखते हैं पाइनएप्पल केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक कप मैदा, 175 ग्राम मिल्क मेड, 75 ग्राम बटर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, एक टी स्पून बेकिंग पाउडर, दूध ज़रूरत के अनुसार, हाफ टी स्पून पाइनएप्पल ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स कलर की येलो कलर। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोल घुमाते हुए दो बार छान लेंगे। मिक्सिंग बाउल लिया है, इसके अंदर हम बटर डालेंगे। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर को और मिल्क मेड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर को और मिल्क मेड को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके मैदा डालेंगे। अब धीरे धीरे करके इसमें मैदा डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। ज़रूरत के अनुसार दूध भी डालते जाएंगे। इसी तरह से दूध डालते हुए सारी मैदा मिक्स कर लेंगे। मैदा को हमने पूरी तरह से मिक्स कर लिया। अब कुछ ड्रॉप्स इसमें हम पाइनएप्पल एसेंस की डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स येलो कलर की। देखो हमने ग्रीस कर लिया है घी और मैदा से। बैटर को बेकिंग ट्रे में डालते हैं। पाइनएप्पल के पीसेस डाल देते हैं। ट्रे को अच्छे से टेप करते हैं। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। इसको 180 डिग्री पर हमने 40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रखा है। केक बेक हो चुका है, निकालते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया है। केक को 5 से 10 मिनट के बाद में हम अनमोल्ड करेंगे। केक ठंडा हो गया है, इसको अनमोल्ड करते हैं। केक हमारा एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना है, आप देख सकते हैं। 3 से 4 घंटे ठंडा करेंगे, उसके बाद आइसिंग करेंगे। धीरे धीरे करके 3 लेयर्स में कट करेंगे। केक की हम सेकंड लेयर कट करते हैं। केक बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। केक को हमने 3 लेयर्स में काट लिया है। अब इससे पहले शुगर सिरप लगाएंगे। ये हमने पाइनएप्पल टिन लिया था, उसका सिरप यूज़ कर रहे हैं। इससे केक थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है। व्हिप क्रीम डालेंगे।
पाइनएप्पल के पीसेस डालते हैं। थोड़ी क्रीम और लगाएंगे। पाइनएप्पल के पीसेस कवर हो जाने चाहिए। ये हमने बीच में भी पाइनएप्पल के पीसेस डाले थे तो कहीं कहीं ये कट गए हैं। दूसरी लेयर हमने रख दी है। हल्के से प्रेस करेंगे इसको। अब शुगर सिरप से इसको भी मॉइस्ट करेंगे। पाइनएप्पल के पीसेस लगाते हैं। क्रीम से कवर करेंगे। स्पैचुला की सहायता से क्रीम लगाते हैं। इसी तरह से क्रीम से हम पूरे केक को कवर कर देंगे। इस तरह से स्पैचुला को स्ट्रेट रखते हुए हम केक की फिनिशिंग करेंगे। केक को हमने केक बोर्ड पर रख दिया है। अब इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। केक की पाइपिंग बॉर्डर बनाते हैं। केक के ऊपर हमने पाइनएप्पल की रिंग रख दी है। अब इसके ऊपर एक रिंग बनाते हैं रोज की तरह। चेरी रखेंगे। पाइनएप्पल क्रिसमस केक तैयार है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। और इसी तरह से नई नई रेसिपीज देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नए स्वाद के साथ। धन्यवाद।